लगातार सुबह से न्यूज 18 पर महाकवरेज जारी है और सबसे पहले हम आपको मतदान प्रतिशत बताने जा रहे हैं। यूपी में अब तक 39.68% मतदान हुआ है, तो अभी तक का मतदान प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। जहां पर लखीमपुर खीरी की बात करें, सबसे ज्यादा यहां पर मतदान हुआ है 43.31%, कानपुर में सबसे कम 41.42% मतदान और शाहजहांपुर में 36.34% मतदान हुआ है। धौरहरा की बात करें, 43.25% मतदान हुआ, सीतापुर में 42.66% मतदान, हरदोई में 48.18% मतदान और मिश्रिख में 47.9% मतदान हुआ है। बात उन्नाव की करें तो 38.69% मतदान, फर्रुखाबाद में 40.39% मतदान और इटावा में 37.68% मतदान हुआ है। तो ये मतदान प्रतिशत हमने आपको बताया। बात बहराइच की करें, 40.68% मतदान यहां पर हुआ है। कुल मिलाकर 13 सीटें जिन पर आज मतदान हो रहा है और वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया, 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो हमने आपको बताया। रायबरेली में जनसभा के दौरान एक शख्स ने जब राहुल गांधी से शादी को लेकर सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि जल्द ही शादी कर लेंगे। तो जनसभा के दौरान कार्यकर्ता ने राहुल गांधी से शादी को लेकर सवाल पूछा और राहुल गांधी ने कहा कि जल्द ही शादी कर लेंगे। रायबरेली की रैली से खबर निकलकर सामने आई। पहले उसका जवाब दो, क्या जवाब है? सवाल क्या है भाई, क्या सवाल है, क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। चलिए सीधा रुख करते हैं लखीमपुर खीरी से। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से लाइव। सबसे पहले रुख करते हैं अमित गंजू का, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अभी तक मतदान प्रतिशत क्या कहता है, क्योंकि 3 बजे का वोटिंग परसेंटेज अपने दर्शकों को हमने बताया और इस बार अभी तक के जो 3 चरण हुए हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम दिख रहा है, इस बार का मतदान प्रतिशत क्या कहता है? देखिए शिवम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए तापमान बढ़ता जा रहा है, कानपुर का तापमान 40 को क्रॉस कर चुका है, मगर मतदाताओं को जोश कहीं से कम नहीं हो रहा। हालांकि कई ऐसी पोलिंग सेंटर्स हैं जहां जो वोट परसेंटेज कम है, मगर जिस जगह हम एक और जगह खड़े, मैं अपने कैमरामैन से कहूं पीछे का दृश्य दिखाई और अभी भी इस पोलिंग सेंटर पर 50 को क्रॉस कर चुका है और ये दो अगल बगल दोनों एक साथ है, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन और चर्म विभाग दोनों में। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं कि मतदाता आई सर लगाइए, सर वोट कास्ट किया कि नहीं? जी कर दिया मैंने। क्या क्या, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, पहले तो बताइए सर आप। यहाँ के सभी लोकल मुद्दे हैं। अच्छा। जैसे कि हमारा रोड का काम नहीं हो पाता है। अच्छा। ठीक है, लाइट, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, चलिए आपसे जानना, युवाओं के क्या मुद्दे, युवाओं के मुद्दे पे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। आपको जानकारी नहीं? अच्छा, सब दिखाई, सियाही दिखाई, वोट कास्ट किया कि नहीं? अरे सियाही दिखा दीजिए। देखिए ये मैं शीनम आपको दिखाना चाहूंगा, गर्मी बहुत है और अब फुटका फुटके 11 बजे तक लोगों ने बहुत वोट कास्ट किया। अभी भी अगर इस सेंटर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इसमें लगभग एक सेंटर में 5660 और दूसरे में 4010 दोनों को मिला के यहाँ वोट होंगे। और ऐसे में देखिए कैमरे की नजर में देखे जा सकते हैं, सब लोग वोट कास्ट करके हैं। मैं अपने कैमरे में देखा, आप लोग इस तरफ आइए, जो वोट डाल के आए इस तरफ आइए, ये देखिए, देखे जा सकते हैं, गर्मी की चिंता नहीं की इन लोगों ने, वोट डाला दिखाई, अपनी सियाही दिखाई, सब लोग सब सियाही दिखाइए, आप लोग वोट कास्ट करके आए कि नहीं, देखिए चेहरे की हंसी और खुशी भी कह रही है, वोट डाला कि नहीं? ठीक है, चलिए ठीक है, आप वोट डाल के आए कि नहीं? जी, सब घर में डालें कि आप अकेले डाल के आए? देखिए शीनम, सबके चेहरे की खुशी है क्योंकि 5 साल तक इंतजार किया जाता है, धूप की चिंता लोगों ने की। हालांकि कानपुर की परसेंटेज 41 कुछ है, अगर हम 2019 की बात करें उससे कंपेरेटिवली प्लस माइनस एज इट इज है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कानपुर में 52-53% था और अब की अगर बात की जाए 41% क्रॉस हो चुका है जो, और अभी और बढ़ेगा अमित, अभी और बढ़ेगा, क्योंकि होता ये है कि दोपहर के वक्त थोड़ा सा कम हो जाता है मतदान प्रतिशत और बाद में जब हम देखते हैं
तो 4 बजे के बाद एक बार फिर से मतदान प्रतिशत बढ़ना शुरू हो जाता है। चलिए हमारे दूसरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी से उमेश श्रीवास्तव, उनके पास चलते हैं। उमेश, वहां पर कितना मतदान प्रतिशत अब तक का हुआ है और साथ ही गर्मी कैसी है ये भी बताइएगा, क्योंकि कहा जा रहा है इस बार गर्मी पर भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, यानी कि मतदान करने के लिए लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। साथ ही मुद्दे क्या हैं जिन्हें ध्यान में रखकर चुनावी यहाँ पर वोटर्स जो है चुनाव मैदान में निकलकर यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। यह देखिए, लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर पोलिंग चल रही है, गर्मी तो प्रचंड पड़ ही रही है और पोलिंग परसेंटेज पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। 3 बजे तक नियर अबाउट 54% तक की पोलिंग हो गई है। अगर पिछली बार के आंकड़ों पर गौर करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र में नियर अबाउट 64% के आसपास की पोलिंग हुई थी और इस बार अब तक 3 बजे तक 53% की पोलिंग हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर पोलिंग परसेंटेज ऐसा माना जा रहा है कि मोर देन 60% हो सकता है और हो सकता है कि नियर अबाउट 62-63% के आसपास की पोलिंग यहां पर हो। हम सीधा कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, अपनी सबसे बड़ी ताकत का प्रयोग किया है। मैडम, आप क्या कहेंगी, वोट कास्ट करके आप आई हैं, क्या मुद्दे, क्या इश्यूज और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में क्या है? मुद्दा तो वही है जो बेसिक अभी तक जो हमारी पूरी करते आए हैं अभी के नेशनल लेवल के नेता। लोकल का तो मैं नहीं कहूँगी, लोकल का मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, तो उसी बेसिस पे मैंने अपना वोट कास्ट किया है आज। और नेशनल इश्यूज को लेकर के, राष्ट्र के इश्यूज को लेकर के आपने पोलिंग की है, आप क्या कहेंगे? आप हमको लगता मंदिर होकर के आए और इसके बाद पोलिंग करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज कितना सौभाग्यशाली दिन है, लोकतंत्र का ये महापर्व है और जो लोग अभी भी अपने घरों में बैठे हैं उनको अवश्य निकलना चाहिए और अपनी सबसे बड़ी ताकत का प्रयोग करना चाहिए। ईश्वर को साक्षी मान के हमें इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये किसी सांसद का चुनाव नहीं, एक राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव है। जो भी व्यक्ति हमारे भारत वर्ष को अखंड भारत बनाने में सक्षम हो और एक महान राष्ट्राध्यक्ष बनके भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम हो, हमें उसे वोट करना चाहिए और हमने उसी को वोट किया है। अच्छी आपने बात कही कि ईश्वर को साक्षी मानकर के वोट करना चाहिए। आप बातचीत करते रहिए, मतदाताओं की प्रतिक्रिया लेते रहिए और क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया लेना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो क्या सोचते हैं, किन किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप बने रहिएगा तमाम सहयोगी हमारे साथ, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अभी चौथे चरण के मतदान में सियासत के किन धुरंधरों ने वोट डाल दिया है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त। जिन्होंने वोट डाला है, वेंकैया नायडू वोट डालने के लिए पहुंचे उस दौरान की तस्वीर, अर्जुन मुंडा, मोहन यादव सीएम को आप देख सकते हैं, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला उनका भी आज वोट रहा, पवन कल्याण, असदुद्दीन ओवैसी को भी आप देख रहे हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है, माधवी लता भी वोट डालने के लिए पहुंची और ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश के भी आप देख लीजिए तमाम दिग्गज जो वोट डालने के लिए पहुंचे, जितिन प्रसाद, सतीश महाना, साक्षी महाराज, सुब्रत पाठक भी वोट डालने पहुंचे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आप देखिए, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, सुरेश राही जिन्होंने वोट डाला, प्रतिभा शुक्ला ने भी वोट डाला, राज्य मंत्री हैं और बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मथानी भी और रजनी तिवारी जो कि राज्य मंत्री हैं उनकी तरफ से भी वोट कास्ट कर दिया गया। और जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे तो साथ ही साथ उन्होंने ये अपील की कि आप भी ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलिए और वोट कास्ट जरूर करें। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से उम्मीदवार अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, उन्होंने भी वोट डाला। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को आपने देखा, वो भी वोट कास्ट करने पहुंचे। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी से, वो भी बेगूसराय में वोट डालते दिखाई दिए। महुआ मोइत्रा TMC के सांसद, उनकी तरफ से भी वोट यहां पर डाला गया। और अधीर रंजन चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा जब वोट डालने पहुंचे वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर। ललन सिंह ने भी वोट डाला बिहार के मुंगेर में और झारखंड के खूंटी में अर्जुन मुंडा वोट डालते हुए दिखाई दिए।